हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हेकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो कोर्स चेंज हो गया है और जो मैंने पुराना वर्क कराया है उसे आप डिलीट मार दीजिए या उसे स्टेपल से स्टेपल कर दीजिए, पिनअप कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं आएगा। आपका न्यू कोर्स, आपका जो इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश की बुक है, वो चेंज हो गई है और इस में से इस बुक का ही आएगा। और ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने इसकी रीडिंग आपको लगवा दी थी, द फन दे हैड, ये प्रोज में है। ठीक है, कल मैंने इसकी रीडिंग आपको लगवा दी है, समझा दिया इसके बारे में। ठीक है, द फन दे हैड, और आज मैं कल मैंने इसके बारे में जो भी डिटेल है वो कल की यानी कि लास्ट वीडियो में आपको बता दी है। आज इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ओके, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, देखिए कम टू द पॉइंट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट के बारे में, अगर स्टूडेंट्स आपके पास ये न्यू बुक है तो ये क्वेश्चन सब आपके बुक में ही दिए हुए हैं और आप इन्हें अच्छे तरीके से बस समझ लें, और करने के लिए आपके पास अपनी बुक भी है और नोटबुक भी होगी। लेकिन जो मैं ये वर्क करा रहा हूँ, आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है, ओके, और लर्न करना। देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। देखिए, इन प्रश्नों के आपको कुछ शब्दों में ही उत्तर देना है और इनको कपल करना, कपल में जोड़ा बनाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। देखिए, मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? ओल्ड में से होता है बूढ़ा, लेकिन कितने उम्र के हैं? ठीक है, यहाँ बूढ़ा नहीं, उम्र के हो जाएंगे। ठीक है, मार्गी इज 11, मार्गी जो है 11 वर्ष की है, 11, एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी क्या है, 13 वर्ष का है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। देखिए, मार्गी जो है अपनी डायरी में क्या लिखती है? तो मार्गी रॉट, मार्गी लिखती थी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त की है, फाउंड पा ली है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी प्रत्येक उस बुक को देख चुकी है पहले? तो आंसर होगा नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, मार्गी जो है पुस्तक को पहले कभी नहीं देख चुकी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्टेंस। व्हाट थिंग्स यानी कि वह क्या सोचती है अबाउट द बुक, पुस्तक के में डिड सी फाइंड स्टेंस, जब वह उसे विचित्र रूप से पाती है, स्टेंस मीन्स विचित्र या अजनबी। ठीक है, आंसर हो जाएगा, मार्गी फाउंड इट स्टेंस दैट द वर्ड प्रिंटेड ऑन ए बुक स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन स्क्रीन। देखिए, जब मार्गी उस पुस्तक को पाती है तो वह पाती है कि उसके जो शब्द हैं वो स्क्रीन पे हैं। स्क्रीन पे मतलब, जो मैंने इसकी स्टडी लगवाई थी तो आपको बताया था कि अब ये वर्चुअल क्लासेस हो जाएंगी, 2021-56 की बात है ना, 2156 के, तो आपको बताया था कि अब जो है, जैसे कि आज अब कोरोना काल में क्या हो गया, आपकी जो क्लासें हैं वो वर्चुअल चल रही हैं, टीवी पर चल रही हैं, मोबाइल पर चल रही हैं और कंप्यूटर पर चल रही हैं स्टूडेंट्स, तो वैसे ही अब तो अब शब्द कहाँ हैं, सब जो है स्क्रीन पे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और टीचर क्या हो गए हैं, टीचर रोबोट हो गए हैं, यानी कि आपने बटन दबाया और रात में, दिन में, सुबह शाम जब चाहें तब अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने कल बताया था उसके बारे में ही ये है। अगर आपको, आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और जो है एक से दो बार आप इस पुस्तक को या इन वीडियो को देखेंगे और किताब को पढ़ेंगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो
वर्ड कहाँ हैं, शब्द कहाँ हैं, स्क्रीन पर हैं, है ना। स्क्रीन मीन्स टीवी की स्क्रीन, आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब पे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। सी आल्सो फाउंड इट ओड दैट द वर्ड ऑन ए पेज ऑलवेज रिमेंड द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड। अब देखिए, जो किताबें वो पढ़ रही है वो किताबें वो नहीं हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, मतलब किताबों के ज़रिए। अब जो है उन्हें कहाँ पढ़ रही है, स्क्रीन पर पढ़ रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वह उन्हें देखिए, जो भी देखेंगे तो वो फर्स्ट टाइम देखे जाते हैं, उनसे पहले आपने ये इलेक्ट्रिक बुक नहीं देखी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो वो क्या है, पहली बार उन्हें उस पर देख रही है, ठीक है। बिसाइड्स अतिरिक्त द आइडिया दैट समवन वुड राइट ए बुक अबाउट स्कूल्स वाज इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर मार्गी। अब देखिए, मार्गी के लिए वह कैसे है, स्कूल की वो कोई बुक नहीं है, स्कूल जैसी कोई बुक नहीं है, और मार्गी के लिए वह एक विचित्र बुक है, ठीक है। और नंबर फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक ए टेबल बुक इज। देखिए, टेबल बुक के बारे में क्या होती है, आप इसके बारे में सुनेंगे। ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड टेबल बुक। देखिए, टेबल बुक वो होती है जहाँ आप उसे स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, किसी स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। नंबर सिक्स आंसर है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, लेकिन मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था, कक्षा साथी था। तो मार्गीज स्कूल वाज इन हर होम इट्सेल्फ। देखिए, मार्गी का स्कूल उसका घर, स्वयं उसका घर था, ठीक है। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी कि उसके बेडरूम से अगला। नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, क्योंकि उसका कोई क्लासमेट नहीं था, क्योंकि आप जो हैं कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो आपका क्लासमेट कहाँ हो गया। जब आप क्लास में जाएंगे तभी तो कोई क्लासमेट होगा, है कक्षा साथी होगा। जब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो कोई क्लासमेट बन रहा है नहीं ना। तो नंबर सेवन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। तो देखिए, मार्गी और टॉमी जो हैं ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास और अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं।